प्रदेश में अपराधी बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला गन्नौर से। दरअसल गांव राजलू गढ़ी पुलिस चौकी ने वाहनों की चेकिंग के लिए नाका लगा रखा था, जिस पर एक वैन चालक को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका, उसने अपनी गाड़ी भगा ली। इसके बाद गांव भूरी के पास डायल 112 PCR के चालक ASI सुमेर को टक्कर मार दी। बदमाशों के बेखौफ होने को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ निकल चुका है और अपराधी आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती देर रात गन्नौर के गांव राजलू गढ़ी चौकी पर पुलिस कर्मियों ने नाका लगा रखा था ताकि अपराध पर लगाम लग सके, लेकिन अपराधी इस तरह बेलगाम हैं कि वो पुलिस के साथ भी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे ही पुलिस कर्मियों ने एक तेज रफ्तार वैन को रोकने के लिए इशारा किया तो बदमाश कार लेकर फरार हो गए। तभी पुलिस ने वैन का पीछा करना शुरू किया तो वैन चालक ने गांव भूरी के पास डायल 112 पर तैनात ASI सुमेर ने उसे रोकने की कोशिश की तो वैन चालक ने उस पर वैन चढ़ा दी और मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। पी साहब के आदेश अनुसार रात को राजलू गढ़ी चौकी के पास हमने नाका लगाया हुआ था तो एक इको कार तेज गति से नाके के पास आई और उन्होंने हमने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे भाग गई। तो 112 डायल गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ हमने फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ के इंचार्ज ने उसको रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उस गाड़ी ने उस इंचार्ज को भी जानबूझ करके जान से मारने के लिए से टक्कर मार दी और उसको गंभीर चोट आई। तो इंचार्ज ASI सुमेर सिंह हॉस्पिटल एडमिट है प्राइवेट में, उसका इलाज चल रहा है और गाड़ी के नंबर आइडेंटिफाई हो गए हैं और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है? वहीं घायल पुलिस कर्मी को आनंद फानंद में एक निजी कार से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब ASI सुमेर को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटना के बाद फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। गन्नौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट, सत्य खबर न्यूज। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।